यो आज का पांचवा कलमा योना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 28 और 29 पद, जहां इस प्रकार लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रख कर उसके मुंह में लगाया। अजीजो, आज जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर है, दोपहर का वक्त है, तपती हुई धूप है, यकीनन वहां जितने भी लोग हैं उन सबको प्यास लग रही होगी, गला सूख रहा होगा, और प्रभु यीशु मसीह जबकि सलीब पर लटकाए गए हैं, उनके हाथों से खून बह रहा है, पैरों से खून बह रहा है जहां की कीलें ठोकी गई थी, और इसके साथ ही साथ वो प्यास जो गला सूखने की वजह से थी, अनायास ही प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलता है, मैं प्यासा हूं। इससे पहले के शब्दों को अगर हम 28वें पद को पढ़ें, तो वहां पर लिखा हुआ कि जब उसने देख लिया कि सब कुछ पूरा हो चुका का मतलब है कि वो संसार में जिस काम के लिए भेजा गया था, उसने संसार में रहकर उन कामों को पूरा किया, उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, और उन सब कामों को पूरा करने के बाद उसने कहा, मैं प्यासा हूं। अजीजों, एक तरफ जब हम ये देखते हैं तो हम थोड़ा सा आश्चर्य में आ जाते हैं। वही यीशु मसीह जो कि सामरी स्त्री से कहता है कि मुझे पानी पिला, और बाद में कहता, अगर तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांगता है और तू उससे मांगती, और वो तुझे वो जीवित वचन जीवित जल देता जिसे पीने के बाद कभी कोई प्यासा ना होता। प्यारे प्रभु जी, जब एक तरफ इस बात को चैलेंज कर रहे हैं, एक तरफ इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुझे वो जल देता जिसको पीने के बाद कभी कोई प्यासा ना होता, फिर आज ये क्या नौबत आ गई, आज वो क्या हालात खड़े हो गए जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। अजीजों, जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को केवल और केवल उस काम की चिंता थी जो उसे प्रभु परमेश्वर ने करने के लिए इस संसार में भेजा था, और वो काम था गुनहगारों को उनके पापों से छुड़ाना, और यही काम वो इस संसार में रहकर भरपूरी के साथ कर रहे थे। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सा काम ऐसा बाकी रह गया था जो उन्हें करना था, बहुत सी रूहें ऐसी रह गई थी, बहुत सी आत्माएं ऐसी रह गई थी जिनका अभी तक बचन जो अभी तक बची नहीं थी, जिनका बचना जरूरी था। और प्रभु यीशु मसीह इसी काम में लगे हुए थे कि मेरे रहते रहते वो भी रूहें बच जाएं, लेकिन अभी बहुत सी रूहें थी जो बचने से बाकी रह गई थी। हम आगे पाते हैं कि लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, तब उन्होंने उसे पीने के लिए सिरका दिया। सिरका प्यास को और बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति प्यासा हो और सिरका उसके मुंह में लगा दिया जाए, तो उसकी प्यास और भी बढ़ जाएगी।
आज वो समय था, आज वो दिन था जब प्रभु यीशु मसीह को सिरका पिलाया गया और उनकी प्यास और भी भड़क उठी। अब वो प्यास जब भड़क उठी तो हमने देखा, हमने पाया कि मृत्यु से जीवित होने के बाद उन्होंने भरपूरी के साथ वो काम किए और हजारों आत्माओं को उन्होंने बचाया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्माओं को बचाने के लिए भी हमसे कह रहा है, वो हमारी आत्माओं को बचाना चाहता है, वो हमारी आत्माओं का प्यासा है। और न सिर्फ हमारी आत्माओं का प्यासा है बल्कि हमारी आत्माओं को जीतकर वो अपनी प्यास को पूरा करना चाहता है। अजी जो इस गुड फ्राइडे में बहुत से प्रयास किए गए लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी थी वो पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये संदेश आप तक पहुंचाए जा रहे हैं कि आप इस गुड फ्राइडे में प्रभु यीशु मसीह के उन कलमों को सुने और आत्मिक जीवन में उन्नति करें ताकि आत्मा जीती जा सके, आपकी आत्मा जीती जा सके और प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझ सके। धन्यवाद।